हेलो एवरीवन, मैं हूं ममता। स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कलाकारी हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं सबकी मनपसंद मिठाई कलाकंद, जिसको आप 5 मिनट में बनाकर रेडी कर सकते हैं। त्यौहार आ गया हो और आपने कोई मीठा ना बनाया हो तो आप झटपट से ये कलाकंद बना लीजिए। बहुत ही सॉफ्ट, एकदम हलवाई स्टाइल कलाकंद बनाकर आप रेडी कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज इसे एक लाइक जरूर करना, आगे शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ हम लेंगे 2 कप कद्दूकस किया हुआ पनीर। ये मेरा होममेड पनीर है, आप मार्केट वाला भी ले सकते हैं, बस उसको अच्छे से आप कद्दूकस कर लें। अब हम लेंगे एक ट्रे और उसको हम थोड़ा सा घी लगाकर इसको ग्रीस कर लेंगे पूरी ट्रे को अच्छे से। और अब चलते हैं गैस की तरफ। ये एक कढ़ाई ली है और उसमें 1 बड़ा चम्मच घी डाला है और ये कद्दूकस किया हुआ पनीर भी हम इसमें डाल देंगे। और इस पनीर को हमें सिर्फ 1 मिनट के लिए कुक करना है और बस इसको दबा दबा के इस तरीके से कर लें। 1 मिनट में ही ना ये एकदम छेने जैसा बन जाएगा। इस तरीके से प्रेस करते हुए इसको कुक कर लें। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया से एकदम छेना बनता जा रहा है, ये बिल्कुल बढ़िया बन गया है। अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप कंडेंस्ड मिल्क। आप थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते हैं अगर आपको मीठा ज़्यादा पसंद है तो। बस इसको मिक्स करेंगे और बस 1 से 2 मिनट और इसको कुक करना है कंडेंस्ड मिल्क मिक्स करके। ये देखिए बढ़िया से ये मिक्स होता जा रहा है। इसको भी अच्छे से प्रेस करते हुए अच्छे से कुक कर लें, मिक्स कर लें। ये लीजिए बढ़िया से ये कुक हो गया है। अभी हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। और इसको हम ट्रे में निकाल देंगे अपने मिक्सचर को और बस इसको स्पून की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से ही आप इसको अच्छे से सेट कर दें इस तरीके से, बहुत बढ़िया से। और अभी इसमें हम बादाम की कतरन डाल देंगे, थोड़ा सा पिस्ते की कतरन डाल देंगे। आप अपनी मर्जी से कैसे भी इसको गार्निश कर सकते हैं। और बस इसको सेट होने के लिए रख देंगे, अगर जल्दी हो तो फ्रिज में रख दें 15 मिनट के लिए। ये देखिए सेट हो गया है बहुत अच्छे से। और अब हम इसको कट कर लेंगे, आप अपनी पसंद से कैसे भी कट कर सकते हैं किसी भी साइज में। मैं यहाँ पर चोकोर चोकोर कट कर रही हूँ जैसा हमें मार्केट में मिलता है। और ये लीजिए बहुत ही आसानी से कट हो रहा है, ये देखिए। और इसको थोड़ी सी फिनिशिंग देने के लिए साइड से ये कट कर देते हैं बस। और अब हम इसको निकाल लेंगे, बहुत ध्यान से निकालें, ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसलिए इसको बहुत अच्छे से आराम से निकालें। और बस प्लेट में सर्व कर लिया। और ये देखिए कितना बढ़िया सॉफ्ट एकदम हलवाई स्टाइल कलाकंद बना है। और बस आपके पास अगर टाइम ना हो तो फटाफट से ये कलाकंद बना लीजिए, सबको बहुत पसंद आएगा। और फ्रेंड्स, वैसे भी अब राखी का त्यौहार तो आ ही गया है, आप इस राखी अपने भाइयों के लिए ये मिठाई बनाइए, बहुत ही आसान है, आप फटाफट से बना सकते हैं। और अपने भाइयों को इस मिठाई को खिलाकर राखी बांधिए, आपके भाई खुश हो जाएंगे ये मिठाई खाकर। तो फ्रेंड्स, जब भी आप ये कलाकंद बनाएं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपका कलाकंद कैसा बना। और अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, आगे शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।